भाई बहनों ने समुद्र हिलोर कर जल संग्रहण का दिया संदेश। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। पादरू क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भाई बहनों ने समुद्र हिलोरने की परंपरा का निर्वहन किया। पादरू में सामाजिक समरसता के तहत पादरू में समुद्र हिलोरने का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिर पर संगारित मटका लेकर नाड़ी पर पहुंची महिला एवं उनके भाइयों ने पानी में मटके को हिलाया और एक दूसरे को अपने हाथों से नाड़ी तालाब का पानी पिलाकर आशीर्वाद स्वरूप स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना की गई। जानकारों की माने तो ये परंपरा इसलिए चलाई कि एक साल में 365 दिन होते हैं और हर एक महिला एक महीने में 365 तगारी मिट्टी खोदेगी तथा नाड़ी तालाब का निर्माण करेगी। इस प्रकार हर गांव में हजारों महिलाओं ने असंख्य बरसाती पानी सहेजने के लिए स्रोतों को बनाकर खड़ा कर दिया। महिलाओं की ओर से किए गए श्रमदान के एवज में भाई अपनी बहनों को आज भी भेंट पूजा अर्पित कर उसके सुखमय जीवन की कामना करता है। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर महिलाएं मंगल गीत गाती हुई अपने घर से सज धज कर अपने भाइयों के साथ घर से नाड़ी पहुंची, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में भाइयों ने बहनों को नाड़ी का पानी पिलाया और बहनों ने भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की कामनाएं की। इसी प्रकार पादरू सहित क्षेत्र के गाँव में समुद्र मंथन की रस्म निभाई गई।